एंटरटेनमेंट की दुनिया में ऐसे कई वीडियोस हैं जिन्होंने सब जगह सनसनी मचा दी है, जिसमें अभिनेत्री ओविया हेलेन नेल्सन, जिन्हें कि हेलेन नेल्सन के नाम से भी जाना जाता है, वो भी शामिल हैं। अभिनेत्री ओविया के कथित तौर पर लीक हुए निजी MMS वीडियो से जुड़े आरोपों ने चर्चा का तूफान खड़ा कर दिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर वीडियो के स्क्रीनशॉट को बड़े पैमाने पर शेयर किया गया था। इन दृश्यों में एक महिला के कंधे पर टैटू बना हुआ था जो कि ओविया के टैटू से काफी मिलता जुलता है, जिससे ये अटकलें लगने लगी कि वीडियो में ओविया ही दिखाई गई है। ऐसे ही कई और भी 5 मामले हैं जो कि MMS से जुड़े हुए हैं, जिन पर ये आरोप लगाया गया कि उस MMS में वही एक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोना सिंह की। जी हाँ, मार्च 2013 में मोना सिंह की कथित तौर पर एक निजी MMS क्लिप ऑनलाइन वायरल हुई थी, जिसने बहुत बड़ा विवाद पैदा कर दिया था। हालांकि अभिनेत्री ने तुरंत इसकी प्रामाणिकता से इनकार करते हुए वीडियो को मॉर्फ करार दे दिया था। उन्होंने कार्रवाई की थी और मनगढ़ंत क्लिप को प्रसारित करने वाले लोगों पर शिकायत भी दर्ज की थी। इस बारे में बात करते हुए मोना सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कोई व्यक्ति किसी के शरीर पर किसी भी और का चेहरा लगाने की किस हद तक जा सकता है, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो भी मासूम लड़की के साथ ऐसा हो सकता है। साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर खुशी भी जताई थी कि वो एक सेलिब्रिटी हैं और खुलकर इस मामले पर मीडिया से बात कर सकती हैं, क्योंकि मीडिया ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो कि उन्हें इस दलदल से बाहर निकाल सकता है। इतना ही नहीं, जाने माने एक्टर शाहिद कपूर भी इस दौर से गुजर चुके हैं। जी हाँ, कई अन्य लोगों की तरह शाहिद कपूर को भी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा था, जब उनका अपनी तत्कालीन गर्लफ्रेंड करीना कपूर खान के साथ किस करते हुए एक अतरंगी वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ था। ये घटना तब की है जब शाहिद कपूर सिर्फ 24 साल के थे। हालांकि उस समय ना तो शाहिद और ना ही करीना ने सार्वजनिक रूप से इस लीक पर बात की थी, लेकिन शाहिद ने एक दशक के बाद इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और 2023 में इस घटना पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने वही अब बात करेंगे भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह की। जी हाँ, उस समय विवादों में वे भी घिर गई थी जब उनका एक अतरंग वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ था। हालांकि अक्षरा ने तुरंत इस वीडियो को मॉर्फ बताकर खारिज कर दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कथित लीक वीडियो में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि मैं इस घटिया हरकत से बेपरवाह हूं, मैंने वीडियो को देखने की भी तकल्लुफ नहीं उठाई और मैं खुद पर इसे हावी होने नहीं देना चाहती। वहीं अब बात करते हैं रिया सेन की। रिया सेन का बॉलीवुड करियर तब पटरी पर उतरा था जब उनका और उनके तत्कालीन बॉयफ्रेंड अश्मित पटेल का एक अतरंग वीडियो ऑनलाइन सामने आया था। इस कांड पर उनकी चुप्पी तोड़ते हुए रिया ने सीधे तौर पर अश्मित पर उनके साथ विश्वासघात करने और उनकी निजता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अश्मित की हरकतों ने मुझे बहुत मानसिक पीड़ा पहुंचाई है। हर कलाकार को निजता का हक है, लेकिन उन्होंने मेरी फिल्म रोकड़ा के क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर वीडियो लीक करने की साजिश रची, जिससे उनके अविश्वसनीय स्वभाव का पता चला। अब बात करेंगे बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस राधिका आप्टे की। राधिका आप्टे उस समय ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना कर रही थी जब उनके फिल्म पार्ट 1 नग्न दृश्य को लीक करते हुए व्यक्तिगत वीडियो के रूप में गलत तरीके से पेश की गई थी। गलत फहमी को साफ करते हुए राधिका ने जोर देकर कहा था कि ये वीडियो उनका नहीं है। ग्राजिया के एक साथ इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस घटना के भावनात्मक रूप से उन्हें जूझना पड़ा है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि अपने ड्राइवर, चौकीदार और स्टाइलिस्ट के ड्राइवर सहित अपने आसपास के लोगों द्वारा व्यापक रूप से पहचाने जाने के कारण 4 दिनों तक वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाई थी। राधिका आप्टे ने कबूल किया कि इस अनुभव ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, भले ही उन्होंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की हो। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।